इस ब्रह्मांड में कई घटनाएं घटती हैं, मगर हमें उन्हीं घटनाओं के बारे में पता होता है जो अपने सौर मंडल की हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका ताल्लुक पृथ्वी की आकाशगंगा से दूर दूसरे ग्रहों से माना जाता है। अब हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो एक दावा है और उससे जुड़े साक्ष्य पृथ्वी पर मौजूद हैं। दावा यह है कि अंटार्कटिका के ग्लेशियर वाले द्वीप के पास एक यूएफओ देखा गया है। न सिर्फ देखा गया है बल्कि अब भी वही है और उसका वीडियो वायरल भी हो रहा है। आखिर क्या हुआ अंटार्कटिका में और किसका है यूएफओ वाला दावा, वो इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ब्रह्मांड के अनगिनत ग्रहों में भी कोई ऐसी दुनिया है जहां जीवन का क्रम पृथ्वी की तरह ही है। क्या पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो मस्तिष्क के इस्तेमाल के विकास के चरण पार कर रहा है, या फिर कोई ऐसा ग्रह भी है जहां के प्राणी अपने जीवन से जुड़े अनुसंधान में इंसानों से आगे हैं? ये प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसी आशंकाओं से पृथ्वी घिरी है जिसमें जीवन की खोज के अलावा दूसरे ग्रहों की तरफ रुख करने को मजबूर कर रही है। कभी अंतरिक्ष से आने वाले यान की आकृति, कभी रोशनी का प्रतिबिंब और कभी अनोखी हलचल से भरे दावे इशारा करते हैं कि ब्रह्मांड में सिर्फ मनुष्य अकेला नहीं है जो जीवन की खोज कर रहा है। हालांकि अब तक इससे जुड़े किसी भी दावे को प्रामाणिकता नहीं मिली है, इन्हें कल्पना की संज्ञा दी गई है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा वायरल हो रहा है जो दुनिया को दंग कर रहा है। पृथ्वी पर बसे कई देशों में इस वक्त जो वीडियो देखा जा रहा है वो यही है। इसमें गूगल अर्थ के जरिए कुछ दिखाने की कोशिश हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इस तस्वीर में जो चीज त्रिभुजाकार में दिख रही है वो पृथ्वी पर उतरा ऐसा यान है जो कहां से आया किसी को नहीं पता, यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। और इसे लेकर कई बड़े दावे शेयर किए गए हैं वीडियो में। दावा है कि शेयर किया गया वीडियो अंटार्कटिका का है। यूट्यूबर के मुताबिक ग्लेशियर के पास यूएफओ लैंड हुआ है। यूएफओ को गूगल अर्थ प्रोग्रामिंग से खोजा जा सकता है। दावा है कि खोजा गया यूएफओ करीब 60 फीट का होगा। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है इससे जुड़ा कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सिवाय इस वीडियो के जिसे YouTube पर शेयर करते हुए एक मेटल जैसी दिखने वाली रहस्यमय चीज की तरफ इशारा करते हुए बताया जा रहा है कि यह रहस्यमय चीज एक यूएफओ है। वीडियो शेयर करने वाले ग्राहम की आवाज आप इसमें सुन सकते हैं। Going to a small island called Two Hummock Island, and it's in this location that I can see some kind of metallic object just resting in the water just off the coast. I don't think there's any disputing that this object looks metallic, and I believe it to be triangular, and I'll show you why later in the video. So looking at the object, what do we see? Google Earth पर इस आकृति को zoom करके भी दिखाया गया, जिसे धातु का बताया जा रहा है, लेकिन इस दावे की पुष्टि इसलिए नहीं होती क्योंकि अब तक इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी सिस्टम से तलाशा गया है, कोई वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आ सकी। हालांकि दावे में विश्लेषण बेहतरीन है, इसलिए पूरे विश्व में इस वीडियो को देखकर अनजानी दुनिया से जुड़े जीव और उनके यान के चर्चे शुरू हो गए। देखिए एक और विश्लेषण। गूगल अर्थ से दिख रही वस्तु का आकार बड़ा है। जो हिस्सा दिख रहा है वो 55 से 60 फीट का है। ये चीज यूएफओ की लड़ाई के अवशेष हो सकते हैं। ठीक ऐसा ही दावा वो लोग भी कर रहे हैं जिन्होंने अब तक इस वीडियो में जिज्ञासा दिखाई है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक लोग इसे ऑपरेशन हाई जंप के दौरान हुई यूएफओ की लड़ाई के अवशेष मान रहे हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में इस तरह का धातु ऑब्जेक्ट मिलना इस दावे के करीब है।
कैसे, संक्षेप में समझिए। ऑपरेशन हाई जंप अमेरिका का अहम मिशन था। रिसर्च बेस बनाने के लिए इसे प्रोग्राम किया गया था। नेवी ने 1946 में मिशन अंटार्कटिका में शुरू किया था। मिशन के तहत यूएस नेवी के टारगेट पर यूएफओ थे। हालांकि यूएस नेवी ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए यूएफओ के अवशेष होने वाले दावे से जुड़े इस वीडियो की सच्चाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन नहीं जानता कि अंटार्कटिका के ग्लेशियर वाले इस द्वीप पर जो दिख रहा है वो क्या है, सिर्फ अटकलों का दौर है। लेकिन यूएफओ होने का दावा सुपर वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।